पिटिशनर के विद्वान काउंसिल ने इस दलील पर भी जोर दिया कि महिला के साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों की पुष्टि नहीं की गई है। विराम, मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उदर को छूने की घटना की पुष्टि नहीं की जा सकी थी। विराम, निसंदेह पिटाई किए जाने की घटना की भी पुष्टि नहीं की गई है, किंतु वह घटना का कारण नहीं थी, बल्कि उक्त घटना की शिकार महिला द्वारा की गई अनुवृत्ति कार्रवाई मात्र थी। विराम, किंतु चूंकि मैं पहले यह अभी निर्धारित कर चुका हूं कि पिटिशनर ने विधि की दृष्टि में कोई अपराध नहीं किया है, अतः इस प्रश्न पर विचार करना उचित नहीं है। विराम, पक्षकारों के विद्वान काउंसिलों द्वारा महिला डॉक्टर का साक्ष्य भी मेरे समक्ष रखा गया। विराम, उसने यह कथन किया था कि उसने इस घटना के बारे में अपने संबंधियों को पत्र लिखने के सिवाय किसी को कोई सूचना नहीं दी थी। विराम, उसने यह कथन भी किया है कि जब पिटिशनर ने प्रथम बार उसके उदर का स्पर्श करने का प्रयास किया, वह इस बारे में निश्चित नहीं थी कि यह स्वयं उसी का हाथ था या किसी अन्य व्यक्ति का हाथ था या हाथ था भी या नहीं। विराम, उसने यह कथन भी किया कि वह पुलओवर पहले हुए थी, क्योंकि वह सर्दी की रात थी। विराम, यहां यह बताना भी उचित होगा कि उसने डॉक्टर मिश्र नामक एक व्यक्ति से यह कहा था कि पीछे बैठे पुलिस अधिकारियों में से एक पुलिस अधिकारी ने उसके नितंब या पृष्ठ भाग पर हाथ रखा था। विराम, उक्त महिला ने इस बात से इनकार किया कि उसने डॉक्टर मिश्र के समक्ष ऐसा कोई कथन किया था। विराम, इससे भी यह दर्शित होता है कि महिला स्वयं इस बारे में निश्चित नहीं थी कि किसने क्या किया था। विराम, इन कथनों से यह भी प्रतीत होता है कि पिटिशनर के विरुद्ध किया गया अभिकथन अनिश्चितता के आवरण से आवृत है। विराम, यदि उक्त महिला वास्तव में पुलओवर पहने हुई थी, जैसा कि उसने स्वीकार किया है, तो इससे पूर्व कि हाथ उदर के नग्न भाग तक पहुंचे, पुलओवर हटाने मात्र से ही व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो जाएगा। विराम, सर्वप्रथम मैं यह महसूस करता हूं कि पिटिशनर द्वारा उदर के स्पर्श किए जाने का कार्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है, और दूसरे, यदि उसने उदर का स्पर्श किया भी था, वह पूर्णतः आकस्मिक था, क्योंकि पूर्वोक्त कथनों को देखते हुए प्रथम घटना पूर्णतः संदिग्ध हो गई, और चूंकि महिला के शरीर का स्पर्श केवल एक बार किया गया था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूर्णतः आकस्मिक था। विराम, पैरा, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, मेरे इस मत का इस तथ्य से समर्थन होता है कि यह साबित करने के लिए परिस्थितिक जन्य या प्रत्यक्ष कोई भी साक्ष्य नहीं है कि उस धारा के अर्थांतर्गत किसी प्रकार की आपराधिक शक्ति का प्रयोग किया गया था। विराम, विचारण न्यायालय द्वारा या अपील न्यायालय द्वारा उस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। विराम, निसंदेह ऐसे निष्कर्ष के बिना दोष सिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। विराम, स्टॉप।